कौन दे चार कौन अरे सोरु है तेरे मुठात में यहाँ मुठात कर बोल यहाँ तो नंबर दे तू चलो हाय गाइस, इट्स मी डांसर सनातन और मेरे यूट्यूब चैनल डांसर सनातन में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ यूनिक है, स्पेशल है वीडियो। क्या स्पेशल? अभी जो कि आप टाइटल से पता चल गया, थंबनेल से ही, तभी आज बताने वाले हैं कि खास करके गांव में खटिया कैसे बनाया जाता है। किसी किसी मजाक लगती होगी और किसी किसी जो शहर में रहते होंगे वो बहुत एक्साइटेड होंगे कि कैसे आखिरकार बनाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही काम के लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि चले इसका आज ब्लॉग बना दें। और पापा अभी उसी के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। इधर देख सकते हैं रस्सी से बांध रहे हैं, छोटा छोटा रस्सी के को लाए हैं। इसको ओझा बोला जाता, ओझा देखिए लगा ये कहाँ लगे, ये कहाँ पर क्या यूज होगी। खैर छोटा छोटा ये गाट मार के बनाया गया कुछ हाफ, कितना होगा इसको, कितना बोलेंगे इसको, इतना नॉर्मली इतना सा। और इधर जो कि आप लोग देखे पिछले बार थोड़ा सा ब्लॉग फोटो में, जो कि ये वाला छिलने वाला काम जो कर रहे थे पापा के साथ, पौवा जिसको हम लोग बोलते हैं खटिया का पौवा, अभी इसी को बैठा रहे। और पापा साइज का चार, ये चार कॉर्नर के लिए चार बनाए हैं। और ये बांस जो कि हमारा अपना ही है, ठीक है, तो सब है ही। और पापा सबको फिट कर रहे हैं कैसे क्या है। यहाँ पर हमारा बसला, अरे बाबा ये गिर गया रहा है टाइट वगैरह। अच्छा ये ऊपर नीचे नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर हुआ, ये नीचे लगा रहे हैं। ये छोटा साइज जो है ना वो दिया जा रहा है, इसमें जो हेड तरफ रहे या पैर तरफ रहे साइड में, ठीक है। और जो आपका साइड तरफ रहेगा वो अलग सर, वो उसका लंबा फिट किया जाता है बांस। ये छोटा फिट किया जा रहा है जो हेड तरफ रहेगा, या हो सके वो डाउन तरफ रहेगी। और इधर से भी पापा छील के रखे हैं करके सबको, देख सकते हैं ये लंबा लंबा सब है। और नीचे करेंगे तो वो डाउन पड़ जाएगा, खटिया और नीचे हो जाएगा इसी। ये थोड़ा साइज 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 बड़ा हो, इधर से हमारे जितने पौवा थी जो बनाया था वो सब लग चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि तीन कलर का रस्सी लाया गया है, जो कि हमारा कितना पड़ा था वो इसका 300 लगभग पड़ा हमारा जो रस्सी का। और ये सब तो अपना घर का ही है, सिर्फ पापा मेहनत किए हैं दो तीन दिन लग के, उसके बाद छील छाल के सब रेडी किए, छेंदा वेंदा जो गड्ढा किया जाता है वो सब किए। और अभी देख रहे हैं कि ये वाला सीन है जो कि बांध रहे हैं साइड पे, ताकि टाइट किया जा सके रस्सी को चारों तरफ। तभी उसको भी देख सकते हैं किस तरह से गाँट मारा जा रहा है, ये देखिए। अब यहाँ से इसको गाँट मार के अभी टाइट किया जाएगा इसको। मैंने छोटा मोटा तो हमको जानिए नहीं के इंची को है बेटा। इतना साइज देने के बाद इसको रस्सी बनाया जाता है, एक बित्ता और चार अंगुली यहाँ से, और फिर यहाँ से चार अंगुली, मतलब आठ अंगुली, एक बित्ता आठ अंगुली, इतना करके इसको साइज छोड़ा गया इधर पैर तरफ साइड के लिए। अब इसको चारों तरफ घुमा के इसको टाइट किया जा रहा है। ये सब आप लोग इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग भी देखिए और सीखिए और कैसे बनाया जाता है। तो इसके जितना हो सके थोड़ा सा मोटा किया जा रहा है। यहाँ से होने के बाद इसको पक्का लगा के राउंड करने के बाद उसको गाट किया जा रहा है। तो इधर से इसका बन गया एक गाट। पहले हमारे घर में इसी तरह से, मतलब क्या होता था कि कभी भी खाने के इस तरह से कभी दिक्कत होती थी, कुछ होती थी, तो पापा इस तरह से क्या था, किसी घर में जाते थे खटिया बनाते थे तो उसे कुछ पैसे वगैरह आ जाते थे, तो उससे हमारा उस दिन का चावल वगैरह आराम से चल जाते थे। ये वाला गाट जो बना के रखे थे ना, अभी इसको खींचने के लिए काम किया जाएगा। कैसे क्या करेंगे अभी बताएंगे। क्या नाम बोले थे इसका? अच्छा इसको बोलते हैं ओझा बोला जाता है। अब ये टाइटनेस के लिए दिया जाता है, देखिए इधर से लेके गए हम लोग और इधर से लाने के बाद उस साइड से लेके ये साइड दिए, और इधर बाद इसको इधर से घुमा के लाए इधर भी, फिर और एक और ओझा जिसको पापा अभी बोल रहे। आने के बाद पापा सिर्फ पौवा के ये है इसके नीचे से पार कर दिए, और इधर से फिर खींच के ले जा रहे उस पार। उस पार जाने के बाद वो वाला रस्सी था, उस रस्सी की इधर से ही घुमा रहे, और वो जो ओझा बोले थे उसकी बगल में जस्ट ये रस्सी के बगल से फिर उसको गुजारेंगे लेते हुए। तो देखिए वो उधर से लेते हुए आ रहे हैं, और यहाँ से फिर से पार किए, और फिर से ये इधर से घुमा के फिर उठाएंगे इसी के बगल से होके इसका सेकेंड लेयर पे, फिर से इधर से ले आए और घुमा दिए इसको। तो एक में देख सकते हैं कि छह इसमें हो गया,
यहाँ पर चार को जदि रस्सी देंगे तो उसमें मजबूती कम रहेगा, इसलिए छह को करके दे रहे हैं। आप लोग मर्जी जितना देना चाहो आप लोग दे सकते हो, लेकिन छह चार ही ज्यादा यूज किया जाता है। आप लोग जितना मन मतलब छह या चार में से जो कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे वो कर सकता है। इसको फिर खींचा जा रहा थोड़ा ज्यादा आगे, तो फिर से वहां से राउंड करने के बाद ये चेंज किया गया और एक दूसरा भी लेयर लेके इधर से अंदर घुसा गया। तो रस्सी है ना इधर से टाइट हम लोग जो कर रहे हैं, क्या होगा इधर से घिसते जाएंगे घिसते जाएंगे तो फिसल जाएगा, इधर चला जाएगा। तो इसको पहले टाइट करके इधर बांध के इसको घींच के रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको पुथान बोलते हैं, जो कि पिछले वीडियो आप लोग देख रहे थे हम जो टाइट कर रहे थे। अच्छा, हमारे यहाँ पर गांव में ये कल्चरल में है कि बोला जाता है कि यदि ये वाला रस्सी जो घिसता है खटिया के पीछे हिस्सा को टाइट जो करता है, बोला जाता है उसका ज्यादा लड़की होगा, लड़का को इसीलिए वो घींच के नहीं बांधना चाहिए। ये कौन सा मतलब है, बोलते हैं ना गांव में कुछ ना कुछ एक दो को मिल जाते हैं निकल ही जाते। तो वही वाला है कि बोला जाता है कि लड़के में से किसी को ये वाला बांधना नहीं चाहिए, ये जो करेगा ना तो उसका हमेशा लड़की ही होगा, लड़की पैदा होगा। तो पता ही ऐसे कुछ साइंटिफिक तरीके से ये सब सही नहीं है। बस के लिए उधर बांधा जा चुका है, इधर से फिर हम लोग क्या कर रहे हैं वो एक लेयर हो गया, इसको भी उसी तरह से हम लोग फिर से चार राउंड अभी सॉरी पांच छह राउंड अभी फिर इसको भी घुमाएंगे, तभी एक बार समझ में आ जाए ना तो आराम से कर लीजिएगा। इधर से हमारे छह जो लेयर थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद सेकंड क्या स्टेप लिया गया ये देख सकते हैं। यहाँ से रस्सी लाए हम लोग और यहाँ से इसको इधर घुसाने के बाद इधर से फिर घुमाए और एक जो है इसका अंदर घुसाए, अंदर से लिए दो वाला पट्टी थी इसके अंदर से लेके फिर इधर अंदर घुसाए, और लेने के बाद ये कार्य इधर से निकाल रहे और निकालने के बाद ये रस्सी यहाँ पर चली गई। और ये भी एक ट्रिक है जो कि दूर में लिया जाता है, कितना दूरी का होना चाहिए वो ही बता रहे पापा। यहाँ हो चुका है छठा वाला, ये भी कंप्लीट। और इसको देखो अब सेकंड वाला फिर इसको गाट मार के फिर घुमाया जाएगा। देखिए ये तब दो लेयर था, अब इसको चेंज थोड़ा सा इसका होगा। देखिए ऊपर से था, अब इसको नीचे से लिया जा रहा है, और दो को छोड़ के बीच वाला छोड़ के फिर उधर से उठा के डाउन लिया और फिर एक छोड़ के उधर से राउंड कर रहे हैं। उसको थोड़ा सा फिर खींच के आगे तरफ बढ़ाया जाएगा ताकि फिसल के वो बाहर तरफ ना आ जाए रस्सी सब। तो यहाँ से हमारे सेकेंड मतलब फिर से दूसरा लेयर स्टार्ट हो चुकी है। एक रस्सी जो कि उसी से गांठ मार के हम लोग निकली थी, अब इसमें से फिर से हमें उसी तरह से छः बनाना है, जो कि अब दिखाएं अभी कि सब में छः छः लाइन जा रही है, तो इसमें भी छः लाइन अभी हमें करना है। फिसल दीदी क्या बना रही है आज खास? हाँ, आज अभी चावल पक रही है। अच्छा अच्छा, तो हमारे घर में अभी चावल बन रही है, उसके बाद क्या सब्जी होगी? वो घर का जितना कुछ है, गोभी वोभी है शायद, वही सब बनेगा ना, फूल गोभी बने और दाल कपड़ा भी कपड़ा। इसको अब दाब दिया ना तब वो खुलेगा नहीं फैलेगा नहीं। अच्छा इसको कैसे लिया जाता है? इसको दिया जाता बताएगा, ऐसे तो खाट घरता है किसी तो भांगता है किसी रे, उसको सीखेगा तब नहीं तो मिस्त्री हुआ। इसको कैसे छह दिया तीन दिया, इसको बाद देख के तीन तीन एक उठाएगा, देखिए। अच्छा अच्छा, तीन करके उठाना देखो है इसको, यहाँ से लिया इसको भी लिया हो गया। अरे तीन तो ही क्या, लेकिन ये रस्सी जो घुसा रहे कभी इसके ऊपर तो कभी उसके ऊपर, वो वाला कैसे प्रोसेस था? यही तो सबसे बड़ा मेन दिक्कत है समझने वाला का। पहले जैसे कि यहाँ पर हम लोग दो करके लिए, फिर एक में घुसा दिया, पहले तीन लिया फिर दूसरा में लिया फिर पहला में लिया, देखने के बाद अच्छा ये कंप्लीट हो चुकी थी ना, इसीलिए दूसरा आप ले लिया। एक छोड़ रहा तीन उठा रहा, इसे बताया यहाँ पर तीन लिया फिर एक दो फिर एक, तीसरा भी फिर तीन लिया पापा, तीन के बाद फिर दो फिर एक। और इसमें भी डिस्टेंस दिखा जाए तो छह ही है, देखिए बीच का रस्सी छह हुआ, इधर से पार करने से तो इधर फुल हो चुका था, इसलिए हम लोग इस पार से लेकर घुमा के जा रहे हैं और ये दूसरा रस्सी शुरू हो रही है। और फिर यही वाला दिक्कत यहाँ पर जो सबसे कंफ्यूजन जगह था, जाए जाए थे।
यदि समझ में जिसको ना आए दोस्तों तो आप लोग पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, और जैसे प्रोसेसिंग किए हैं बस उसी तरह से आप लोग कॉपी करके वीडियो अपना कटिया बांध दीजिएगा, एकदम हु बहू कॉपी कर लीजिएगा। देखो अब इसको क्या कि ऊपर कर दिए, ये वाला रस्सी को तीन तीन करके ले रहे हैं, फिर इसको चापा जाएगा नीचे तरफ, दबा जाएगा इसको भी धीरे धीरे करके, फिर इसको लिया जाएगा, फिर लेने के बाद फिर इसे दबा जाएगा इसको। अच्छा अच्छा देखिए ये वाला ऊपर था, फिर ये डाउन गया, फिर ये डाउन, इसके बाद ये वाला जाएगा, फिर ये वाला, ऐसे करके छः छः तीन तीन करके रस्सी छोड़ छोड़ के इसको किया जा रहा है। बीच वाला जो रस्सी है ना इसको पापा बोला ढाल, इसको छोड़ देना, उसको कुछ नहीं करना, बाकी सबके साथ ही इधर उधर घुमाया जा रहा है, लेकिन ये वाला बीच वाला रस्सी देखिए उसको पूरा गोटा गोटा बांध दिया जाएगा। तो दोस्तों इधर से हमारा रस्सी पूरा हो चुका है, थोड़ा सा रस्सी अभी बाकी है करना, और क्या हुआ कि सब जितना इसको सटाना पड़ेगा अभी सामने करके इधर, उसके बाद जगह मिलेगा तो फिर बीच में भी रस्सी पार किया जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं अभी डिस्टेंस कितना ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पार होगा। दुनिया का सबसे अजीबो प्राणी जो कि आप लोग देख रहे हो, सबसे अजीबो प्राणी ये है, कॉमेडियन एक्ट पता अच्छा देख 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 बदमाश दिख रहे। तो इधर से फाइनली हमारी खटिया मेकिंग कंप्लीट होने वाली है, अभी के बार इसको घुमाएं, यही बार लास्ट, बस लास्ट है। इसके बाद नीचे वाला रस्सी लाने जाएगा, तो हमारी फिनिशिंग होने वाली है पूरा खटिया मेकिंग की, स्पेशल वाला मजा वाला खटिया यार। दोस्तों फाइनली सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं, हम पापा भाई और मिल के, अब आपको देखे ना ऊपर छत्ता में जाकर क्या कर रहे थे, वीडियो आपका क्लिप है क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर लास्ट फिनिशिंग हो रही है, हम कुछ नहीं करते, इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये खटिया पूरा, और देख सकते हैं तीन तीन लेयर छोड़ छोड़ के बनाया गया है, बाकी आप लोगों को पूरा वीडियो तो देखे ही है, जिसको समझ में ना आया हो तो वीडियो को एकदम पॉज करके एकदम आराम से देख के आप लोग समझ सकते हो कि आखिर कैसे खटिया बनाया जाता है। अभी लास्ट वाला सीन बचा ये वाला का, तभी इसको भी टाइट करने के लिए हमें रस्सी चाहिए, तो पापा बोले इसको पूरा वहाँ पर कम्प्लीट करते, देखो कैसे कर रहा है यार। लास्ट में देखिए फिनिशिंग वाली यहाँ से हमारे, अरे घुमा, यहाँ से फाइनली हो चुकी है पार, और इसको अब घिसा दिया, टाम दिया। अब इधर से देखिए दो को मोटा बीच वाला एक बन गया, एक इधर और एक वाला इधर, तो दोनों हो गया बीच पे कंप्लीट। अभी लोग कंप्लीट हो गया, खाए कंप्लीट हो गया, अब लास्ट फिनिशिंग हो रही है हमारे खटिया का, पुथान जो है उसको बांध के कंप्लीट। ये कंप्लीट होने के बाद हमारे खटिया पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि आप लोग देखें कि हाउ टू मेकिंग खटिया। आप लोग यदि किसी को भी चाहिए तो कांटेक्ट कीजिएगा, हमारे पापा आपको बना देंगे, हम भी जाएंगे साथ में और आप लोग घर में जाके बना के आ जाएंगे, लेकिन उसका चार्जेस कितना पड़ेगा वीडियो को आप लोग एंड में पता चलेगा। उसको टाइट करने के लिए थोड़ा इधर उधर करके फंसा के किया जा रहा है टाइट, पहले वो नॉर्मली एक रस्सी बांधे थे ना यहाँ पर जोर पकड़े इधर चल ना जाए, इसीलिए वो दिया गया था। अभी ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है हमारी, अभी 200 रुपया का ये वाला रस्सी खरीद के लाए, अभी हमारा कम से कम 300 लगा था ना रे, तभी टोटल हो गया हमारा 500 रुपीज़ बस रस्सी का ही, और अभी वर्क जो इसमें किया गया उसका तो छोड़ ही दीजिए, इतना छिला छिली करे गया, आज दिन भर का यही रस्सी बांधते चला गया। और पापा को एक दिन का मजदूरी कितना मिलता है मैं भी बताता हूँ आपको वीडियो पे। लास्ट देखिए कैसे खटिया को फंसा जरा घुमा घुमा के, हो रही हमारे। अभी हमारा खाना होने के बाद अभी आ चुके हम लोग खाने के लिए, और देखिए क्या बना है, अभी बना है कॉफी, फूलगोभी, आलू, टमाटर चटनी और दाल और चावल। अच्छा है वो कोई खटिया बना ले, तो है वो खटिया बनाने कितना पैसा पावल है, वो खटिया बना 600 टका पूरा फिटिंग का। अच्छा रे, और ये खटिया 150 टका। अच्छा अच्छा, 150 टका इसमें लगता है, देख सकते हैं आप लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं, खटिया बना के आराम से अपना 600 रुपया यदि बना के देते पूरा कम्प्लीटली लकड़ी सब कुछ करके, और यदि बस जस्ट यदि किसी को बना देते जैसे अभी रस्सी बांधने वाला होता ना, वो ही अलग घोरना बोलते उसको घोरना, तो वो घर देते तो उसका आपको 150 रुपये मिल जाएगा, और उसी से हमारे जो पापा लाते थे
उसी से हमारे घर वर चलती थी। अभी चलिए दोस्तों, आई होप आज का आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और हमारे गांव का खास करके खटिया मेकिंग, खटिया में सोने का जो मजा है वो गांव के लोग जो रहते हैं उसी को पता होगा कि क्या उसमें मजा आती है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे खटिया मेकिंग कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सिस्टर अभी खाना लेके आ रही है, हम भी चलिए खाते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।